नमस्कार दोस्तों, BR07 न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दरभंगा एयरपोर्ट जिस रफ्तार से कामयाबी का परचम तक पहुंचा है वह वाकई काबिले तारीफ है। कभी बहुत अच्छा दिन दरभंगा एयरपोर्ट के लिए तो कभी बुरा दिन, यह सिलसिला दरभंगा एयरपोर्ट के साथ चलता रहता है। इसी बीच दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। स्पाइसजेट और इंडिगो के बाद अब एयर इंडिया भी किस्मत आजमाने आ सकती है। हम आपको बता दें कि दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत होने से पहले भी एयर इंडिया के अधिकारी दरभंगा एयरपोर्ट की जांच कर चुके हैं और अप्रूवल भी मिल चुकी है, मगर अभी तक फ्लाइट की सुविधा चालू नहीं हुई है। वहीं हम आपको बता दें कि कल के दिन दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने नागर विमानन मंत्रालय के सचिव से मुलाकात की और कई मुद्दों पर बातचीत हुई जो कि पहले भी हो चुकी है एयरपोर्ट के विकास को लेकर। इसी के साथ एक नया चर्चा भी किया गया है जो कि एयर इंडिया को लेकर है, जिस वार्ता में कहा गया कि यहां से एयर इंडिया की फ्लाइट की जरूरत है। इस वार्ता के बाद नागर विमानन मंत्रालय के सचिव के द्वारा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि अब दरभंगा एयरपोर्ट से एक नहीं बल्कि 3 कंपनी की फ्लाइट उड़ान भरेगी। दोस्तों, अब देखने वाली बात यह होगी क्या यह चर्चा तक ही सीमित रह जाएगी या यह बातें कार्य भी होगा। दोस्तों, अपना राय जरूर दे, आप दरभंगा एयरपोर्ट से किससे सफ़र करना पसंद करेंगे, इंडिगो से, स्पाइसजेट से या एयर इंडिया से।